जब यहाँ गांव में किसी का गिलास ठूस दिया जाएगा, कोई बेहोश हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ का लोग जानेगा कि नहीं जानेगा, यहाँ पूरा हंगामा हो जाएगा। यहाँ से वो टेम्पू चला के गया, जिसका गांव में गिलास टूट जाएगा वो टेम्पू गाड़ी हाकेगा वो। आए आप लोग विश्वास कीजिए, टूटे में गिलास पे ला जाइए। अच्छा वो तो बहुत सारा आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि घर का लोग जो पहले मारा पीटा बेहोश किया, फिर यहाँ कुछ नहीं के। आप में दिया है वो चल जाएगा गीला, चल जाएगा गीला, तो भैया के बोला लवल आप रहिएगा, आप पटक के पिलाएगा गीला पैसनो गीला, आ जब गिलास जब ठूस देगा तो 15-20 दिन का बाद में अपने सब चला गया, टेम्पू चला कर चला गया। सास ससुर में भाई ये बताइए, हम लोग दोनों ननद भौजा हैं, हम लोग से गिलास जेंट्स के गांड में ठूसा जाएगा, बताइए ठूसा जाएगा, बेहोश कर दिया था लोग, बेहोश कर दिया था लोग, तो वो लोग आए ना बेहोश करके ठूसते हैं कि ठूसाता है कि नहीं ठूसाता है, गांड बनाया है लैट्रिन करने के लिए, मुंह बनाया है खाना खाने के लिए, और उसमें गिलास ठूस दिया जाएगा, आदमी 20 दिन तक ले जिंदा रहेगा, अगर मुंह में है जाएगा तो वो भी यहाँ तक ले जाते जाते नली तली फाड़ फूट देगा, गाड़ में है जाएगा तो गाड़ का भेल जो है उसको भी यानी बर्बाद कर देगा। जाहिर सी बात है, एक लकड़ी गाड़ में कर दिया जाता है तो आदमी को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो गिलास कर देने के बाद गाड़ी चला के चल जाएगा। इस वक्त हम लोग साहेबगंज थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव में है, हमारे सामने वही परिवार है जिन लोगों पे आरोप लगा था, ये चाचा ये चाची उनकी पत्नी ये भाभी ये सब लोग जो हैं अपने दामाद को यहाँ पे पहले खूब मारा पीटा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके दामाद का आरोप है, पहले तो खूब मारा पीटा उसके बाद भी जी नहीं भरा तो बेहोश करके उसके पछवाड़े में गिलास ठूस दिया, और ये खबर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, तो मुझे लगा शायद इस परिवार का भी बयान चलाना चाहिए था, तो हमारे सामने वही परिवार के सारे लोग हैं जिन पे आरोप लगा है, तो हम जानते हैं कि कैसे क्या हुआ है कि सब लोग मिलकर पहले हमको खूब मारा पीटा और उसके बाद हमको बेहोश करके लोग हमारे चूतर में गिलास ठूस दिया। जब बेहोश हो गए थे यहाँ से लाद के कौन ले गया उनको, कौन आया था लाद ले, सुबह में उठे तो मेरा लड़को से भी टेम्पो में बैठा के ले गए, जिसका गांड में गिलास ठूसा जाएगा वो यहाँ से टेम्पो चला के जाएगा, बताइए 20 दिन के। अच्छा वो तो वो लोग तो कह रहा है, हम लोग वहाँ भी गए थे, तो उन लोगों का कहना है कि जब हम ससुराल गए तो पहले सब लोग आपका भी नाम उसमें है, क्या नाम है आपका, रीना, हाँ तो रीना देवी का भी नाम रख रहे थे, उनकी पत्नी उनकी सास ससुर और भी 10-12 लोगों का नाम रख रहे थे, कि हाँ पहले सुन लीजिए, यहाँ से वो टेम्पो चला के गया, जिसका गांड में गिलास टूट जाएगा वो टेम्पो गाड़ी हाकेगा वो, बताइए तो मर जाएगा उसी समय, वो तो मर जाएगा उसी समय, नहीं तो उसे तो चला नहीं जाएगा, वो चला नहीं जाएगा, वो आप से खुद सोचिए कि अगर उस चीज में अगर ऐसा कुछ जाएगा तो वो जिंदा रहेगा, बताइए नहीं रहेगा, और वो जेंट्स का शरीर है। आइए कुछ पड़ोस के लोग से भी जान लेते हैं कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है, क्या चाची ऐसा कुछ घटना भई रही है ना, कुछ ना एक दामाद कहता रहा कि हमारा ढेर मरलक लोग कोनो घटना सब ढकोसला कइले हो, फिर दादी रहुआ तो बुजुर्ग बानी कुछ पता चलल, इतना छोट घर बा कि तई को मार पीट होई तो पड़ोस के लोग जरूर जान जाने, हां सब कोई जाने, तई कर दामाद कहता रहे कि पहले हम हां कुछ नहीं कर दामाद कहता रहे कि पहले ढेर मरलक लोग ओकरा बाद फिर हमरा मतलब कि गिलास ठूस देलक लोग पेट में, ई सब गलत बा, ई सब गलत बा, कुछ नहीं के भेल, वो अपना ढकोसला से बना के साइड से करवा के अथी करवा के वीडियो बनवा ले लका फोटो खींच ले। बूढ़े सास ससुर में भाई ये बताइए, हम लोग दोनों ननद भौजा हैं, हम लोग से गिलास जेंट्स के गांड में ठूसा जाएगा, बताइए ठूसा जाएगा, बेहोश कर दिया था लोग, बेहोश कर दिया था लोग, तो वो लोग आए ना बेहोश करके ठूसते हैं कि ठूसाता है कि नहीं ठूसाता है, एकदम गलत बात। चाचा आप यही कहे ना, ऐसा कुछ घटना हुआ था इनके घर में, कुछ नहीं हुआ था सर, वो बारे किस्म के बहु रुपया का रूप धके आता है जाता है या इसी तरह नौटंकी उसका चलते रहता है, नौटंकी करते रहता है जो पवन है वो इनका दामाद। अब ये बताइए सर, आप ही इस बात को सोचिए कि मुंह या गांड जो है उसमें है गिलास ठूस दिया जाएगा वो आदमी जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, घटना होगा होगा लेकिन वो गिलास के लोग बदनाम कर रहे हैं, अगर होगा भी तो उन्हीं लोग का कांड होगा। हाँ तो आसानी से टेम्पू चला के घर आ गए, हाँ तब वही सोचिए 20 दिन के बाद इलाज कराने अस्पताल में गए तो पेट में गिलास मालूम पड़ा, बाद 10 डॉक्टर के बाद पता लगा कि पेट में सब गलत बात है, ये सब गलत बात है, अब वो कहाँ गिलास उनको ठुसाया क्या हुआ सॉरी सब मैंने गलती बात है, एक घंटा बर्दाश्त होगा, 20 रोज के बाद गिलास निकला है, गिलास जब ठुसा जाएगा तो एक घंटा बर्दाश्त होगा, आप ही बताइए, नहीं बर्दाश्त होगा, बर्दाश्त होगा नहीं, तो फिर मानने का सवाल ही नहीं है सर, तो कैसे मानेगा, अचरज वाला बात, अचरज का बातें है, कैसे नहीं अचरज का बात है, गांड बनाया है लैट्रिन करने के लिए, मुंह बनाया है खाना खाने के लिए,
और उसमें गिलास ठूस दिया जाएगा, आदमी 20 दिन तक ले जिंदा रहेगा, अगर मुंह में है जाएगा तो वो भी यहाँ तक ले जाते जाते नली तली फाड़ फूट देगा, गांड में है जाएगा तो गांड का भेल जो है उसको भी यानी बर्बाद कर देगा। फिर भी आदमी जिंदा, फिर भी आदमी अभी जिंदा है लड़ने के लिए। गिलास हाथ में फंसा हुआ था, हाथ में से गिलास निकला है, वो गिलास हाथ में से गिलास निकला है, हाथ कितना मोटा है बताइए। उसमें तो खाना जाने का जगह है, खाना जाने का जगह रहता है। फिर बोलू आंत में गिलास घुसा था, आंत का उनका ऑपरेशन हुआ था बताइए। पहले तो यहाँ पर पट्टी बांध लिया, यहाँ पर पट्टी बांध लिया, लाइला मजनू लेखा हेंगटी बांध लिया, टहाई के दू कहते बाप रे बाप, एक एक्सीडेंट हो गया। अब फिर बिहान देखा थे लाइला मजनू लेखा तो देखा थे कुछ सब ठीक है, सब ठीक है, एक दिन में सब ठीक है। आ आप लोग विश्वास कीजिए टूटर में गिलास पेला जाइए। अच्छा वो तो बहुत सारा आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि घर का लोग जो पहले मारा पीटा बेहोश किया, फिर यहाँ कुछ नहीं के कोई से हमारा गांव चार गांव से पूछ लीजिए करता, इससे कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं है, नहीं कुछ बात नहीं, सब अफवाह फैला रहा है, सब अफवाह फैला रहा है। अच्छा थोड़ा सा भी आवाज बात कुछ घर में साया कि नहीं, मारपीट नहीं नहीं कुछ नहीं है, तो मारपीट कैसे हुआ दोसर कुछ नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग वीडियो बना है, बहुत सारे खबर में चला है, गिलास वाली जो बात है जिसे आप लोग बता रहे हैं, बहुत लॉजिकली समझा रहे हैं, गांव के हैं तो इसलिए लॉजिकली बता रहे हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता है। देखिए आप में दिया है उछल जाएगा गिलास, चल जाएगा गिला, तो भैयावा के बोला लो आप रहिएगा, आप पटक के पेलाएगा गिला, पैसनो गिला, आ जब गिलास जब ठूस देगा तो 15-20 दिन का बाद में अपने टेम्पू चला कर चला गया, वो हमारे दूरा पर लगाया था, आ लगा कर गए तो हेकर लड़कावा दूगो था वो चल गया, आ हम एना ही दुकान पर उतर गए, कैसे गिलास गाड़ में चल जाये, कैसे पेला जाइयो में, है सोचने वाली बात है। एगो तो चिमटी काट ले वाले, आ चाहे एगो काट हल जाले तो लोग बाप बाप चीज ली, जाहिर सी बात है एक लकड़ी गाड़ में कर दिया जाता है तो आदमी को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वो तो गिलास कर देने के बाद गाड़ी चला के चल जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि साधारण सी बात है कि हाँ। इनको फंसाने का वो है चाल है उसका, इनका आपसी में क्या मतभेद है वो तो हम लोग नहीं जानते। सर आप समझदार है, पढ़े लिखे हैं, फंसाने का ये जो जरिया वो लोग ढूंढ रहा है क्या लगता है सही है कि गलत है? वो तो ये लोग बता सकते हैं, पहले से भी कानून सुन रहे हैं, इस बात को सुन के कोई भरोसा करेगा कि मतलब कि किसी का प्राइवेट पार्ट में आप ही करिएगा? नहीं बिल्कुल हमको भरोसा नहीं, नहीं हमको भरोसा होता था तब वही से खबर बना के चले जाते, साधारण सी बात है। एक बच्चे को जब लाइटिंग नहीं होता तो कोई खर आता है वो किया जाता है, तो दो दो दिन बच्चा बैठता नहीं है, और फिर गिलास ठूंस दिया जाएगा तो वहाँ जो फिंगर यदि डॉक्टर ही किया होगा तो जहाँ वो होता है वो मेटल का वो फिंगर होता है करवा के दिखा देना। अच्छा क्या चाहते हैं चाचा, कैसे रिश्ता बनेगा आपकी दामाद आपकी बेटी कैसे एक साथ रहेगी? वो साथ ले जाओ अपना आराम से ले जाओ, आप खुश ले जाने खुश हाँ, हाँ, ले जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हमारा नहीं। और देखिए ये चाचा जो है इनका हम अपना खुशी से उसको बोला कर बन आया तो हम बलगा देगा, कहा बेटी जाता है ये ठीक ससुरारे जाता है तो नहियारे जाता है बिल्कुल दूसरा ठीक नहीं गया, दूसरा ठीक चल जाएगा तो शिकायत होगा, शिकायत होगा तो हम हमारा दरवाजा पर हमारा बेटी है तो सुख से खाओ चाहे दुख से खाओ, हम हमारा रखे हुए हैं वो अपना ले जाओ बाल बच्चा को अपना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत हमारा नहीं। क्या चाहती है, पति के साथ रहना चाहते है कि नहीं रहना चाहते? रहना चाहती है, ले जाना चाहते कि नहीं ले जाना चाहते? नहीं वो नहीं ले जाना चाहता है। जब हॉस्पिटल से आए ना तो यहाँ पता चला कि वो आए हैं घर, तो ये गई कि हाँ उनका स्थिति खराब है कि हम जा रहे हैं अपना हस्बैंड को देखने, तो जब ये गई तो इनको पूरा लंगा करके पीटा था सब, पूरा लंगा करके हॉस्पिटल में भी आके रो रही थी साहेबगंज में, तो हम लोग यहाँ से दोबारा गए उसके बाद में इनको ले जा करके इनको इलाज कराए, इलाज करा करके तो इनको घर लाए, पूरा हाथ पूरा फुला दिया था सब, देखिए गर्दन उर्दन में कान उनके पूरा छीन लिया, बता लेना बहुत जोर मताचारी इनके साथ, ये पूरा रो रही थी बहुत रो रही थी। अच्छा आप अस्पताल में गई थी जहाँ ऑपरेशन हुआ? हाँ 12-13 दिन रहे थे वहाँ, 12-13 दिन पे यहाँ आए थे, वो बलका दिए उनको मम्मी मार के, आपको बलका दिया? हाँ उनको मम्मी बलका दिए थे। चलिए बाकी ये पूरा प्रकरण देख के आपको क्या समझ में आता है अपना विचार जरूर बताइएगा, और सबसे पहले एक बार मैं बता दूं कि ये जो घर आप देख रहे हैं इसी घर की चर्चा हो रही थी, और यही वो चाचा यही वो परिवार है यही आसपास के लोग हैं जिनकी चर्चा हो रही थी, काफी वीडियो मैंने भी देखा कि जब दामाद अपने ससुराल आते हैं तो आरोप ऐसे लगा गंभीर जी से सुनकर के साथ आप भी चौंक जाते होंगे, जो डॉक्टर इलाज करने गया होगा एक्सरे करके वो भी चौंक गया होगा, हालांकि मामले की क्या सच्चाई है वो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और ये चाचा को भी नहीं पता, ये भी कह रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, जबकि आसपास के जितनी भी सारी चाची लोग हैं बहन लोग हैं इनसे भी बात करें इन लोगों को भी कुछ पता नहीं है, तो ससुरा बताइए कैसा मार मारा गया होगा
कि उसमें से एक शब्द आवाज भी नहीं आएगा। अगर जिस तरह से लोग बता रहे कि सच में अगर उसमें खर भी घुसा दिया जाए तो आदमी चैन से नहीं रह पाएगा, और गिलास घुसाने के बाद वो आदमी 20 दिन तक जिंदा कैसे रह गया, 10 डॉक्टर का इलाज करवाने के बाद भी ये पता नहीं लगा कि उसके प्राइवेट पार्ट में गिलास ठूंस दिया गया, बड़ी आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो वह है कि जिस टेम्पो से वो दामाद यहाँ आया था ग्लास ठूसने के बाद, उसी टेम्पू से सही सलामत घर कैसे चला गया, यह भी सोचने की बात है। बाकी प्रशासन के जांच का विषय है, अगर प्रशासन सही तरीके से जांच करे तो जितने सारे निर्दोष लोग हैं ये परिवार बच जाएंगे। और एक विनती है हाथ जोड़ के कि किसी तरह से मामले को सुलह करके बेटी को जो ससुराल भेज दीजिए, बुला के ले जाऊंगा। बाकी ये वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता, मुझे लगा कि दोनों पक्षों का बात रखना चाहिए था, इसलिए मैं इमादपुर इस गांव में भी आ गया। और यहां से रिपोर्ट देख के आपका विचार क्या कहता है, इनके ऊपर लगे आरोप जो है सही है या गलत है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।